हेलो ब्रियन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? कड़कती धूप में इधर से घूमते हुए जा रहे थे, कुछ खाने का मन हुआ था। यहाँ पे भैया जी लगाए हुए थे जो कि ठाकुर दही बड़ा के नाम से फेमस है, बहुत सारे लोग ने सुना भी होगा, बहुत सारा वीडियो भी आ चुका होगा भैया की शॉप का। तो इधर तो जा रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना हम भी दही बड़ा खाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा हो जाए तो मजा ही आ जाए। दही बड़ा से ठंडा क्या हो सकता है, ये तो आपको पता ही होगा कि दही बड़ा कितना ठंडा होता है, कितना फायदेमंद भी होता है। आज उन्हीं भैया की शॉप पे आ गए, जो कि आप देख सकते हो छोटा सा स्टॉल लगा हुआ, लेकिन इतनी भीड़ आप पीछे देख सकते हैं, इतनी धूप में, कड़कती धूप में हम आए हुए हैं, फिर भी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। तो लोगों को देख के पता चल रहा होगा, अगर नाम चलता है तभी तो लोग आते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, पहले यहाँ पे भैया का दिखाते हैं किस तरह से स्टॉल का अपना सेटअप किए हुए, फिर यहाँ पे हम अपने लिए ऑर्डर देंगे, फिर आपको टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट आते हैं कैसा होता है। दोस्तों, आप इस कड़ी धूप में देख सकते हैं कि ठाकुर जी का दही बड़ा कितना फेमस है, लोग कड़ी धूप में खाने के लिए आते हैं। आप सोचते कितनी ज़्यादा धूप हो रही, लेकिन सब हमारे बड़े अंकल भैया सब जितने भी बड़े लोग हैं, देखिए किस तरह से कितने अच्छे मन से सब यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं। आप सब देख सकते हैं गर्मी काफ़ी भयानक पड़ रही है, जो कि आप सब गर्मी का मौसम है तो आप सब देख सकते हैं धूप कितनी तगड़ी हो रही है, लेकिन बस सब खाने के शौकीन है। यहाँ का दही बड़ा सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारे देख लीजिए दो पुलिसकर्मी भाई लोग भी आए हैं खाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ठाकुर जी का दही बड़ा फेमस है कि आप बता ही नहीं सकते। हम आपको बताना क्या है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। देखिए दही बड़ा को किस तरह से दही में पूरा डुबा डुबा के रखा जाता है, आप दिखाएंगे किस तरह से पूरा एकदम सेटअप किया जाता है, एक से एक बड़े बड़े दही बड़े आप सब देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने दही बड़ा क्या होता होगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं, इतने लोग आते जाते रहते हैं खाने के लिए तो ख़त्म होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ले आइए, आपको बताते हैं अगर आप लेट हो जाएं खाने में तो यहाँ का दही बड़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं तो कुछ लोग पैक कराते हैं, इतना ज़्यादा फेमस है। हम यहाँ पर खुद ट्राई करने के लिए आए हैं, तभी आए यहाँ का ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको बताना यहाँ का टेस्ट कैसा था। मैंने नाम तो बहुत सुना था ठाकुर जी का दही बड़ा, तो आज हम खुद आए हैं कड़कती धूप में घूमते घूमते यहाँ पर ठाकुर जी का दही बड़ा ट्राई करने के लिए, क्योंकि सब लोग इतनी भीड़ देखने के बाद मुझे भी पता चल गया है कि ठाकुर जी का दही बड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फाइनली दोस्तों हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, दिल्ली दही बड़ा को किस तरह से स्टिफन आप सब देखते हैं कितना स्टफिंग किया गया है, पूरा भर भर के किया गया, एकदम भर के दे दिया गया। अब इसको हम ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट कैसा होता है आप सब वीडियो को देखिए। तैयार हो गया ठाकुर जी का दही बड़ा खाएगा, क्योंकि 25 साल 20 साल पहले शॉप यहाँ पे लगती थी, उसको ट्राई करते हैं। इतनी धूप है, इतनी हवा चल रही है, काफी मजा आ रहा है। दोस्तों एक मिनट फोन आ रहा है, देख लो पहले। हेलो, तो दोस्तों बीच में फोन आ गया था इसलिए सॉरी, उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि देख लीजिए भाई साहब कड़कती धूप में हम खा रहे हैं ठाकुर जी का दही बड़ा, काफी ज्यादा फेमस है, आप सबको पता ही होगा। अगर आपको ट्राई करना है तो लोकेशन जानना होगा, लोकेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट में देखना, क्योंकि लास्ट में आपको लोकेशन शेयर करते हैं, क्योंकि पहले से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम खाएंगे, कितना स्टफिंग आते थे, कितना ज़्यादा है, पूरा भर कर दिया, खाने में मज़ा आ रहा है भाई। ठंडी की बात नहीं है, ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, कुल कुल अभी आपको मैं दिखाया भैया, देख लीजिए पूरा पीछे कितनी छोटी सी स्टॉल, भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, लोग धूप में भी खाने के लिए आते हैं। हम भी यहाँ से घूमते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, खट्टा मीठा दोनों स्वाद है, मतलब दही बड़ा खाने का अलग मजा होता है। आप गर्मी में कुछ और खाए नहीं मजा आएगा, दही बड़ा खाने में ज्यादा मजा आएगा। तो इनको दही बड़ा को पूरा फिनिश करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, पूरी शरीर गर्म हो चुकी है। दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि हम इतनी मेहनत में कड़ी धूप में अपने वीडियो ला रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करना चाहिए, लाइक या कमेंट प्यारा सा। जिस जिन लोगों ने ठाकुर जी का दही बड़ा ट्राई किया जरूर कमेंट बताएगा कि हम ये लोकेशन कहाँ पे होने वाली है, पहले बताएगा वो, बताएगा ना टेस्ट कैसा था, रिव्यू हम उससे जानना चाहते हैं। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको फेस करने के बाद हम लोकेशन बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके भाई ने ठाकुर जी का दही बड़ा ट्राई किया, चूँकि ठाकुर जी काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए 20 या 25 साल से शायद भैया लगा रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब कड़कती धूप में आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ वहाँ पे लगी हुई है, इतने लोग आते रहते हैं खाने के लिए, शॉप हमारे जस्ट उस पार है। ये लोकेशन जो है जो हमारे आपको दिखाते हैं पीछे, हमारे न्यू प्राग डे जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है जस्ट उसके सामने भैया जी की शॉप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे भैया बहुत दिनों से अपनी शॉप लगा रहे हैं, लोग आते जाते रहते हैं खाने के लिए। प्राग डेयरी से ज़्यादा शायद भैया जी का दही बड़ा चलता है, जो कि कड़की धूप में लोग दही बड़ा का आनंद लेते हैं। भाई साहब मैंने भी आनंद लिया, काफ़ी ठंडा लगा, काफ़ी कूल कूल लगा। आपको भी ट्राई करना भैया की शॉप पे आइए, विजिट कीजिए, ट्राई कीजिए, फीडबैक भी दीजिए कैसा लगता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा,
अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए नए नए ब्लॉग लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को पहली बार आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।